जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप। रंग एस्ट्रो कनक रंग एंड रंग माधव। मेरी सूर्य रेखा टूटी हुई है या सूर्य रेखा टेढ़ी है या पूरी नहीं है, इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल जब हमारे पास आते हैं तो विस्तार से उन चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। देखो, जब भी किसी की भी पाम देख रहे हो तो बोथ पाम को आप अपने चेक करें खुद से। अगर देख रहे हो तो चाहे जेंडर कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि लेडी है तो लेफ्ट पाम देखेगी, नहीं। जो भी जेंडर हो वो अपने बोथ पाम को एनालाइज करेंगे। जो उनका नॉन वर्किंग हैंड होगा, यानी कि जिससे लिखते और खाते नहीं होंगे, उससे वो डेस्टिनी के बारे में देखेंगे, और जिससे ये काम करते होंगे उससे कर्म आधारित जो गणना होगी या जो प्रेडिक्शन होगी वो वहाँ से की जाएगी। तो उसके आधार पे इनका आकलन आप जान सकते हैं। अगर आप नॉन वर्किंग हैंड देख रहे हैं तो वहाँ से देख लें कि आपको क्या मिला है प्रारब्ध में, और करंट सिचुएशन से देख सकते हैं कि आप जा रहे हैं किस दिशा में, प्रारब्ध की तरह या आपकी एक अलग ही दिशा है। तो उसके अनुरूप आप इसके बारे में क्लियर जान सकते हैं कि जिंदगी आपको कहाँ ले जा रही है और आप उसे कौन सी दिशा देने का काम कर रहे हैं। अब बात आती है सन लाइन की। आपके जीवन में साइनिंग के लिए सन का बेहतर होना निहायत ही आवश्यक है। अगर सन साइन नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर जीवन धुंधला ही रहने वाला है। आपके जीवन में बेहतर पद, बेहतर रुतबा, एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ और एक सम्मानित और सफल जीवन जीने के लिए सूर्य का बेहतर होना आपके लिए आवश्यक होता चला जाता है। अगर हस्तरेखा के द्वारा हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो कैसे देखें? सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो सूर्य की रेखा अगर बिल्कुल बेहतर अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बुरे सिंबल का सहयोग नहीं लेती है या अपने ऊपर आश्रय उसका नहीं देती है, तो ये जातक के लिए अच्छा होता है और प्रोफेशनली जातक अपने जीवन में बेहतर योगों का निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं और बेहतर पद प्रतिष्ठा, नाम सम्मान और साइनिंग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या एक सीधी खड़ी रेखा आपको ये सब कुछ देने में सक्षम है? नहीं, हमेशा नहीं। इसके लिए कैसे? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सन माउंट है इसकी पोजीशन कैसी है। सन माउंट अगर अच्छा नहीं होगा ना, तो यहाँ पे कितनी भी खड़ी लकीरें आ जाएं उससे भी कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर भूमि बंजर है, ठीक है, अगर बेस सही नहीं है तो उस पर आप कुछ भी खड़ा कर दो वो गिर जाएगा। तो अगर यहाँ पे सन का जो बेस है, ये पूरा पर्वत क्षेत्र स्ट्रांग नहीं होगा, यानी कि बंदा स्ट्रांग नहीं होगा, तो उसके पास LMG डाल दोगे तो उससे बंदूक चलेगी ही नहीं, तो गोली निकलेगी कैसे, ठीक है। और वहीं पे आपके हाथ में अगर पावर है ना, तो आपके पास बंदूक न रहे फिर भी कुछ कर सकते हो, लेकिन हाथ में पावर न है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। यहाँ पे वही कहानी है। अगर बेस इसका स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आपके सूर्य की रेखा कितनी भी बलवती हो जाए, कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, उससे आपको कोई भी लाभ यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। वैसी स्थिति में देखना क्या होता है, बुद्ध की स्थिति, क्योंकि बुद्ध आपके बुद्धि विवेक का सामंजस्य करता है। अगर इस स्थिति में भी, यानी कि आप निर्बल हैं लेकिन आपके पास संसाधन मौजूद है और साथ ही बुद्धि मौजूद है जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन होता है, तो आप इसके द्वारा किसी और की सहायता से अपना काम निकलवा सकते हो। तो उस परिस्थिति में अगर वैसी सिचुएशन आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा सैटर्न की क्या कंडीशन है, आपके मार्स की क्या कंडीशन है, आपके जुपिटर की क्या कंडीशन है, और बाकी जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है उसकी क्या कंडीशन है। लेकिन बात आ जाती है अपने जीवन में फिनेंशियली या प्रोफेशनली ग्रोथ की, तो उस मामले में ये आपको किस तरीके से सहायता कर सकता है। तो मान लो कि यहाँ पर बेस अच्छी नहीं है और रेखाएँ बिल्कुल क्लियर हैं, ऐसी स्थिति में आपको चले जाइए वीनस के इस पॉइंट पे, देखना चाहिए तीसरे में, यानी फर्स्ट में आप देखेंगे मरकरी को, सेकंड में देखेंगे सैटर्न को, एंड थर्ड में देखेंगे यहाँ पर वीनस को। अगर वीनस आपका यहाँ पर स्ट्रांग है तो ऐसे लोग बिजनेस में अपने आप को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा पाने की स्थिति में होते हैं और काफ़ी बेहतर रूप से अपने आप को साबित कर पाएंगे। ऐसे लोग को कभी भी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज या सर्विसेज के लिए इनको नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज उसमें इन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इनफैक्ट कि अगर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो वहाँ भी इनके लिए जिस प्रकार से सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगा, 1-2% पर ही रह जाएंगे, चाहे कितने भी पैसे खर्च कर ले, कितने भी मेहनत कर ले। लेकिन ये जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखना होगा कि किसके पास खेत है और किसके पास फसल उगाने का हुनर है। कई बार आप देखोगे आपके पास हुनर है तो आपके पास संसाधन नहीं है, कई दफे आपके पास संसाधन है तो हुनर नहीं है, तो आपको यहां पर एक दूसरे का पूरक बनना पड़ता है जीवन में,
ठीक है, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस अनुसार बुद्ध का यहाँ पर बेहतर होना ऐसे जातकों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में सन थोड़ी गुलाटी मारने लगे, यहाँ से वहाँ भटकने लगे, तो समझ लो ऐसे व्यक्ति को एक सही मार्गदर्शक की जरूरत है जो इसे आगे ले जाने का काम करे। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप जो डिजर्व करते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं उसके मुकाबले आपको मिलता जो है ना बस 10%। ठीक है, जिंदगी आपकी परीक्षा ही लेती रह जाती है, जीवन भर विद्यार्थी ही बने रह जाएंगे। ठीक है, टीचर वाली बात हो नहीं पाएगी पूरी तरीके से। कभी कोई टीचर नहीं आया तो भैया बचपन से ही आप पढ़ रहे हो स्कूल में, तो चलो एक दो कक्षा संभाल ले, बस इतनी सी बात होगी। नहीं तो आपको जो चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको कभी नहीं मिल पाता है। ये आपके मन मस्तिष्क को स्थिर नहीं रहने देगी, चंचल बना देगी, आपके लिए दूसरों की नज़र में आपकी जो इज्जत है उसे कम करने का काम कर देगी, आपके लिए अपमान को बढ़ा देने का काम करेगी, और कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को आपकी तरफ लेके आती चली जाएगी। और इसमें जितनी भी शाखा निकले रहेंगे ना, ये उतना ज़्यादा परेशान करेगी। यहाँ पर अगर जाल का निशान आ जाए, क्रॉस का निशान आ जाए, तो परिस्थितियों को और भी ज़्यादा बुरा करती हुई चली जाएगी। ऐसे लोगों को लीगल इश्यूज से भी सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक बात आ जाती है, जैसे ही ये हॉट लाइन को पार करते हैं ना, तो आपके जीव आपका जो जीवन है गुमनाम नहीं होगा। ठीक है, बुरा ही सही, विख्यात नहीं सही, कुख्यात ही सही, लेकिन गुमनाम नहीं होगा, जानेंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, आपकी जो लाइनिंग होगी वो बड़ी लंबी चौड़ी होगी, उसमें कोई कमी नहीं होती है, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। अब यहीं पर ये बेस काफ़ी स्ट्रांग हो और यहाँ पर सीधी रेखाएं चल रही हो और कोई भी इनेमी सिंबल नहीं इसे छुआ ना हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर पद को प्राप्त करेगा, ग्रुप ए की सर्विसेज की तरफ बढ़ेगा, बेहतर ऐसे मेंटर के रूप में या लीडर के रूप में अपने आप को उभार पाने की स्थिति में आता चला जाएगा, या अगर इंडस्ट्रीज या बिजनेस रिलेटेड आगे बढ़ना चाहेगा तो उसमें भी इसके लिए परिस्थितियाँ उनके हक में होगी। लेकिन उस समय फिर आपको सैटर्न के योगों को भी देखना पड़ेगा, जुपिटर की जो सिचुएशन है उसे भी देखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य के क्षेत्र में तिल आने का मतलब, बहुत सारे लोग की हथेली में आता है। देखो अमूमन यहाँ पर अगर आप तिल आता है तो ये तिल होना यहाँ पर बुरा नहीं है। ठीक है, राहु के क्षेत्र में तिल का और केतु के क्षेत्र में तिल होने से जातक के लिए परिस्थितियाँ बेहतर होती है। केतु के निचले क्षेत्र में, मध्य में नहीं, बिल्कुल मध्य में या मध्य से ऊपर, वो तो बड़ी खतरनाक है। ठीक है, उससे रिलेटेड मेरी वीडियोज भी है नीचे कंकन के क्षेत्र में। तो यहाँ पे अगर ये तिल है ना, तो इस तिल आपके लिए कब बेहतर काम करेगी, इसे ऐसा मान लो ना कि एक ऐसा सपोर्टर है जिसका मेंटर कोई और है। ठीक है, वो जैसा बोलेगा ये वैसा करेगा, ये हुक्म का इक्का है। इसे जब सामने वाला कहेगा कि आपकी तरफ जाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, तो आपका हेल्प करेगा, अदरवाइज ये आपके लिए न्यूट्रल बैठा रहेगा। वो कहेगा बुरा करने के लिए तो बुरा करेगा। इसे यहाँ पर नियंत्रित करने का काम कौन करता है, दो खास ग्रह हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं, एक मंगल दूसरा सैटर्न। इन दोनों की दशा महादशा आपके पक्ष में अगर होगी तो ये आपके पक्ष में काम करेगा, बहुत ज़्यादा धन देगा, और ये दोनों अगर विरोध में चले गए तो उस समय ये आपके लिए नुकसान भी देने में कहीं से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, तो उस तरीके से अपना रूप बदलता रहता है, इसका अपना कोई दिमाग है नहीं कि कैसे चलना है, ये अपने गुरु के आदेशानुसार ही अपने जीवन को परिवर्तित करता है। आपसे ना इसकी दोस्ती है ना दुश्मनी है, बस इस तरीके से काम करता है। अब हम मध्य के क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, जैसे कि क्रॉस का साइन है, ये सब एक बेहतर साइन है। ठीक है, जो कि एक इंसान के रूप में आपको बेहतर बनाती है, लेकिन जैसी आजकल की दुनिया है उसमें जीने लायक आपको नहीं बनाती है। तो आप थोड़े क्या उसे बोलते हो, भावुक किस्म को हो जाते हो, कई दफ़े चीज़ों को आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हो, मान लेते हो, कई दफ़े आप बहुत ज़्यादा जहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगा लेते हो, जहाँ दिल लगाना चाहिए वहाँ दिल नहीं लगाते, तो ऐसी उलट पुलट आपके जीवन में चलती रहती है। इसके अलावा स्टार की फॉर्मेशन इस क्षेत्र में होना निश्चित तौर पर जातक के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके बुरे प्रभाव जब भी किसी हथेली में अगर ऐसा हो तो आपके लिए बुरे प्रभाव को ही दर्शाने का काम करती है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हमेशा याद रखना कि जब भी पाम एनालिसिस हो, पाम एनालिसिस बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, तो YouTube पे सिर्फ कुछ नहीं आता, वो लोग भरे पड़े हैं फार्म एनालिसिस करने के लिए। तो चीज़ों को समझो, जानो कि रियलिटी है क्या। ठीक है, फिर एक नतीजे पर पहुंचो, एक छोटी छोटी रेखा ना पूरी तस्वीर बदल देती है इसकी। तो चीज़ों को ध्यान से देख के समझ के फिर आगे एक जीवन के निर्णय पर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं फिर कुछ और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।